कंचन कुंज शैक्षणिक एवं सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा महापर्व छठ पूजा के उपलक्ष्य पर पूजन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें केले की खाने, गन्ना, अगरबत्ती, माचिस सैकड़ों लोगों को वितरित किया गया। इस पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड के अनमोल शेखर ने कहा कि यह बिहार का बहुत बड़ा पर्व है, जिसे हम प्रकृति से जोड़कर सजोने का काम करते हैं। ऐसे पर्व में नियम निष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसको लेकर हम लोगों ने आज छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती के अलावा दर्जनों शिक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कंचन कुंज शैक्षणिक सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से आज छठ पूजा आस्था का महापर्व है, उसके शुभ अवसर पर पूजा सामग्री का वितरण आज राधा कृष्ण ठाकुरवारी प्रांगण उर्दू बाजार में किया जा रहा है, आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे अभिभावक बड़े भाई रिटायर्ड प्राचार्य शिव रजक साहब, बड़े भाई पंकज चौधरी साहब, योगेंद्र महत्व जी, प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह, माधवानंद माधव जी और महानगर शिक्षा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष अनमोल शेखर जी, राजू लाल यादव जी, आत्माराम यादव जी, संजीव यादव जी, सबों के सहयोग से विकास यादव जी, सबों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें इन लोगों की सहभागिता है, भूमिका है। और इन तमाम अभिभावकों को और साथियों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इस तरह के पुनीत कार्यों में इन लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है, इसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। लगभग 100 के संख्या में केला का खानी और उसी तरह 5 क्विंटल के आसपास केतारी और अगरबत्ती और माचिस, 4 सामग्री का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी यहाँ किया गया था, अगले वर्ष और अधिक से अधिक सामग्री का वितरण हम लोग करेंगे। आज कंचन कुंज संस्थान के तरफ से छठ पूजा के शुभ अवसर पर पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका श्री शिशुपाल भारती जी, श्री राजूलाल यादव जी, श्री विकास यादव जी, श्री आत्माराम यादव जी, श्री माधवानंद माधव जी, इन सभी के सहयोग से आज पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें से केला और केतारी और माचिस और अगरबत्ती का वितरण किया जा रहा है। कितने श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है? लगभग 100 लोगों को आज वितरण का कार्यक्रम दिया जा रहा है। मेरा नाम अनमोल शेखर, जनता दलियों शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, महानगर भागलपुर।